नमस्कार, आप देख रहे हैं सहयोग टीवी और मैं हूं आपके साथ हरदत्त चतुर्वेदी। आज बताने वाला हूं कि मांसाहार रोगों का जन्मदाता कैसे है, हम मांसाहार हमारे लिए कितना घातक और असाध्य रोगों को निमंत्रण देने वाला है। इस पर जो निष्कर्ष निकाले गए हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों द्वारा, उनमें से आज 11 निष्कर्ष मैं आप तक लेकर आया हूँ, जिससे ये साबित हो जाएगा कि मांसाहार होना अच्छी बात है या बुरी बात। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क बफेलो में की गई शोध से यह प्रकाश में आया है कि अमेरिका में लाखों बच्चे हर वर्ष ऐसे जन्म लेते हैं जिन्हें माता पिता के मांसाहारी होने के कारण कई बीमारियां जन्म से ही लगी रहती है, और ये बच्चे बड़े होने पर पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाते। अमेरिकी विशेषज्ञ डॉक्टर विलियम सी रॉबर्ट्स का कहना है कि अमेरिका में मांसाहारी लोगों में दिल के मरीज ज़्यादा हैं, उनके मुकाबले शाकाहारी लोगों में दिल के मरीज कम होते हैं। अमेरिकी डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि मांसाहार की तुलना में शाकाहार के अंदर रोगों को रोकने की जी शक्ति अधिक होती है। मांसाहारियों को प्रायः कब्ज रहता है, जिससे अनेक बीमारियां स्वतः ही जन्म लेती है। दूसरा जो पॉइंट है, 1985 के नोबल पुरस्कार विजेता अमेरिकी डॉक्टर माइकल एस ब्राउन व डॉक्टर जोसेफ एल गोल्डस्टीन ने यह प्रमाणित किया है कि हृदय रोग से बचाव के लिए कोलेस्ट्रॉल नामक तत्व को जमने से रोकना अति आवश्यक है। यह तत्व वनस्पति में नहीं के बराबर होता है, अंडों में सबसे अधिक व मांस अंडों व जानवरों से प्राप्त वसा में काफ़ी मात्रा में पाया होता है। जो व्यक्ति मांस या अंडे खाते हैं उनके शरीर में रिसेप्टरों की संख्या में कमी हो जाती है, जिससे रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। इससे हृदय रोग, गुर्दे के रोग और पथरी जैसी बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। जो तीसरा निष्कर्ष है, ब्रिटेन के डॉक्टर एम रॉक ने एक सर्वेक्षण अभियान के बाद यह प्रतिपादित किया कि शाकाहारियों में संक्रमक और घातक बीमारियां मांसाहारियों की अपेक्षा कम पाई जाती है। वे मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ, छरहरे बदन, शांत प्रकृति और चिंतनशील होते हैं। बीबीसी के टेलीविज़न विभाग द्वारा शाकाहार पर एक साप्ताहिक कार्यक्रम द्वारा मांसाहारियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि इससे आपको घातक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। बुचरखानों से प्राप्त मांस कितना हानिकारक, दूषित, गंदा व रोगग्रस्त होता है, इसका अनुमान इससे ही लगा सकते हैं कि यूरोप के अत्याधुनिक नवीन उपकरणों व नई टेक्निक द्वारा संचालित बुचरखानों को भी स्वास्थ्य की दृष्टि से आदर्श नहीं कहा जाता, तब भारत के बुचरखानों के मांस की तो बात ही क्या। जो चौथा निष्कर्ष है, पश्चिमी देशों में जहां मांसाहार का प्रचलन अधिक है, वहां दिल का दौरा, कैंसर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, गुर्दे के रोग, कब्ज, संक्रमक रोग, पथरी, जिगर की बीमारी आदि घातक बीमारियां अधिक होती है, जबकि भारत, जापान और दक्षिण अफ्रीका में जहां मांसाहार का प्रचलन कुछ कम होती है। पांचवा पॉइंट है, ग्वालियर से, ग्वालियर के दो शोधकर्ताओं डॉक्टर जसराज सिंह और श्री सी के डबास ने ग्वालियर जेल के 400 बंदियों पर शोध कर यह बताया कि 250 मांसाहारी बंदियों में से 85% चिड़चिड़े स्वभाव के व झगड़ालू टाइप के निकले, जबकि बाकी 150 शाकाहारी बंदियों में से 90% शांत स्वभाव के और खुश मिजाज थे। जो छठा पॉइंट है, सालमोनेला के अतिरिक्त लिस्टेरिया और फैल रहा है, जो फ्लू को पैदा करता है और फिर जिससे दिमाग की झिल्ली की सूजन
या फूड पॉइजनिंग पनप सकती है। इससे गर्भवती महिलाओं के गर्भपात व गर्भस्थ शिशु के रोगी हो जाने की संभावना हो जाती है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार 12% के नमूनों में लिस्टेरिया पाया गया है। एक बीमारी क्रूजफेट जैकब डिजीज गोमांस से उत्पन्न होने वाली एक दिमागी बीमारी है, जो भेड़ों में पाई जाने वाली बीमारी स्क्रेपी की जैसी है। इस बीमारी का मांसाहार से पशु के अंदर से मनुष्य में प्रवेश हो जाने का संबंध जाना गया है। जो सातवां पॉइंट है, जर्मनी के प्रोफेसर एग्नरबर्ग का निष्कर्ष है कि अंडा 51.83% कफ पैदा करता है, वह शरीर के पोषक तत्वों को असंतुलित कर देता है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार एक कीड़ा जिसे अंग्रेजी में ब्रेन बग कहते हैं, ऐसा होता है जिसके काटने से पशु पागल हो जाता है। कितने पागलपन का यह रोग पूरी तरह विकसित होने में 10 साल तक का समय लग जाता है। इस बीच यदि कोई इस कीड़े द्वारा काटे गए पशु का मांस खा लेता है तो उस पशु में पलने वाला यह रोग मांस खाने वाले के शरीर में प्रवेश कर जाता है। जो आठवां पॉइंट है, अमेरिका के डॉक्टर ईबी एमआरई तथा इंग्लैंड के डॉक्टर इन्हा ने अपनी विश्वविख्यात पुस्तकों पोषण का नवीनतम ज्ञान और रोगियों की प्रकृति से में साफ साफ माना है कि अंडा मनुष्य के लिए जहर है। और नौवां पॉइंट है, इंग्लैंड के डॉक्टर आरजे विलियम का निष्कर्ष है कि संभव है अंडा खाने वाले शुरू में अधिक चुस्ती अनुभव करें, किंतु बाद में उन्हें हृदय रोग, एक्जिमा, लकवा जैसे भयानक रोगों का शिकार हो जाना पड़ता है। जो दसवां पॉइंट है, यूके के श्री नितिन मेहता के अनुसार प्रतिवर्ष करीब 50 लाख व्यक्ति सलमोनेला से प्रभावित होते हैं। एनएचएस के अनुसार चिकन और अंडों से फूड पॉइजनिंग के शिकार रोगों का उपचार करने में $20 लाख खर्च होता है। और जो 11वां पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया जहां सर्वाधिक मांस भोजन खाया जाता है और जहां प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 130 किलो बीफ गोमांस की खपत है, वहां आंतों का कैंसर सबसे अधिक है। डॉक्टर एंड्रयू गोल्ड ने अपनी पुस्तक डायबिटीज इट्स काउजेज एंड ट्रीटमेंट में शाकाहारी भोजन की ही सलाह दी है। तो आज का 11 निष्कर्ष आपको कैसा लगा, बिल्कुल कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं बताऊँगा कि शेयर करने से क्या होता है और कमेंट्स करने से क्या होता है और सब्सक्राइब करने से क्या होता है। तो शेयर करने का मतलब हुआ आप चीज़ों को पसंद कर रहे हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोगों को भी इन चीज़ों का पता चले, तो आप शेयर करते हैं। जो कमेंट्स करते हैं, जब आपको लगता है कि कुछ कमी है और बेहतरीन आपको देखने का इच्छा हो रही है, तो आप कमेंट्स करते हैं ताकि उस चीज़ में जो कमी है वो दूर किया जा सके। और जो आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के पीछे जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप इससे भी बेहतरीन चीज़ें आगे आने वाले समय में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करते हैं। और मुझे लगता है कि हर एक समझदार इंसान हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सहयोग टीवी इसी तरह से देखते रहिए। धन्यवाद।